नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं रिज्यूम राइटिंग। सो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं रिज्यूम राइटिंग। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि रिज्यूम राइटिंग लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले रिज्यूम राइटिंग लिखने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड रिज्यूम का, मतलब प्रॉपर तरीके से आप रिज्यूम राइटिंग किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि रिज्यूम राइटिंग किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है फुल नेम। जैसे कि अगर आपका नाम सुदीप कुमार शर्मा है तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे सुदीप कुमार शर्मा। अगर आपका नाम फातिमा रहमानी है तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगी फातिमा रहमानी, ठीक है। आपका जो भी नाम है आप अपना फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर एड्रेस। एड्रेस में हम अपना यहाँ पे होम एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमारा आ रहा है एज, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपकी अभी करेंट एज कितनी है। जैसे कि अगर आपकी एज जो है 34 है तो आप पूरा लिखेंगे 34, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ कब है और उसके बाद आपका बर्थ कहाँ हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना एज लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। पहले आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एंड देन आप यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है नेशनैलिटी। आपका नेशनैलिटी क्या है, आप इंडियन हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंडियन। अगर आपका बर्थ जो है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है तो आप अपना जहाँ कहीं भी आपका बर्थ हुआ है जो भी नेशनैलिटी है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैरिड। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंगल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर बच्चे नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो बात यहाँ पे हमें लिखना है वो है डेट एंड प्लेस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन। अब देखिए, डेट आपको लिखना है, उसके बाद प्लेस लिखना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन का। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन होता है 1 to 5, सेकेंडरी एजुकेशन आपका होता है 6 to 12 और टर्शरी एजुकेशन होता है आपका ग्रेजुएशन और पीजी कोर्स, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपकी डिग्री क्या है, कौन कौन से डिग्रीज़ आपने अब तक अचीव करे हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिखना होता है। एंड देन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड टू इंक्लूड डिटेल ऑफ ईच पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप कोई भी कंपनी में अगर काम कर रहे हो, जैसे कि 2005 से लेकर के 7 तक आपने हीरो होंडा में काम किया है, उसके बाद 2007 से लेकर के 2015 तक किसी और कंपनी में काम किया है, तो वो एक सिंपल आपको रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करना होता है कि अभी तक आपने कितने कंपनी में काम किया है, कितने एक्सपीरियंस्ड हो आप। अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मैं अभी फ्रेशर हूँ, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन आपने कौन सा होल्ड किया है, कब से कब तक किया है, डेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे कि आपने कंपनी में कोई काम किया है, हीरो होंडा में काम किया है सपोज़, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा हीरो होंडा में आपने मैनेजर का काम किया है, या फिर अपने SBI में आप बैंक मैनेजर रह चुके थे, कौन से ईयर तक आप बैंक मैनेजर रहे थे, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में हम लिखेंगे मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दी करेंट पोजीशन एंड सैलरी। आपकी करेंट पोजीशन कितनी है, कौन सी है, और आप कितना ज़्यादा पर्क कमाते हो, सैलरी कितना कमा लेते हो, ओके। उसके बाद 11th पॉइंट में आप लिखोगे इंटरेस्ट, यानी कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आपको रेफरेंस लिखना है, जॉब रेफरेंस, कैरेक्टर रेफरेंस, कि आप किसके रेफरेंस से आप यहाँ पर आए हो, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होगे कि रिज्यूम राइटिंग किस तरीके से लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड रिज्यूम का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊँगी कि किस तरीके से हम रिज्यूम लिखते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।